हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक मीशो के सप्लायर हैं और आप अपने प्रोडक्ट को बल्क में अपलोड करना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपनी बल्क फाइल को अपलोड करते हैं मीशो सप्लायर पैनल के अंदर, तो वहां पे आपको एरर शो करता है। तो आप कैसे इस एरर को ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको ये एरर आ रहा है बार बार तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको भी बार बार एरर आता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट की बल्क फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को लाते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मीशो सप्लायर पैनल के अंदर लॉगिन कर लेना है। जब एक बार आप मीशो सप्लायर पैनल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, तो आपको कैटेगरी अपलोड्स के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक फाइल पहले अपलोड की थी जिसमें कि मुझे एरर आया था, फिर मैंने उसको दोबारा से अपलोड किया और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। तो यहाँ पे एक फाइल आप देख सकते हैं, इस फाइल का नंबर है 12768 और ऊपर भी देख सकते हैं ये सेम नंबर है। डेट और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि मैंने 30/6 में ये अपलोड करी थी फाइल, और ऊपर की डेट और टाइमिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेम फाइल थी जो पहले एरर आ रहा था, फिर बाद में मैंने जो अपलोड करा तो ये ठीक हो गया। तो मैंने कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपको डाउनलोड एरर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है जिस फाइल में एरर आ रहा था। उसके बाद आपको सिंपली इस फाइल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। जब एक बार आप इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, तो मैं आज आप आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो एक बार जब ये फाइल ओपन हो जाती है, उसके बाद आपको सिंपली इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अब इसको आगे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा, जैसे कि इस जो ये जो कॉलम है इसके अंदर मैंने कुछ गलती की थी। यहाँ पे जो वेट लिखा हुआ है वो ऑलरेडी ग्राम्स में है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट को ग्राम्स में दोबारा से लिख दिया था, जो कि गलत है। तो यह इस वजह से ये रेड कलर में शो कर रहा है। तो आपको सिंपली इसको ठीक करना होता है, और ये जब आप ठीक कर देते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट जो फाइल है वो सही हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले से गलत है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 250 ग्राम कर देता हूँ मैं इसको, 0.25 को हटा के 250 ग्राम कर देता हूँ इसको, और ये फाइल ठीक हो जाएगी। अगर आपका कोई एरर आता है मीशो की बल्क फाइल के अंदर, तो आपको इसी तरीके से रेड कलर का आपको शो करेगा वहाँ पे। एक बार इसको करेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको सिंपली वापस से आ जाना है, और यहाँ पे आपको दोबारा से ऐड कैटलॉग्स इन बल्क, जैसे आपने शुरू में अपलोड किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जिस कैटेगरी में आप अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट फाइल्स इसके ऊपर क्लिक करना है, और उस फाइल को अपलोड कर देना है जो एरर फाइल अभी आपने डाउनलोड करी थी। क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मैं इसको अभी नहीं करूँगा, और आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं और आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए फ्यूचर वीडियोज़ के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछिए, और कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।